नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु एवं अधातु के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में आसपास प्रस्तुत सभी वस्तुओं में किसी न किसी धातु या अधातु का प्रयोग अवश्य होता है और इसीलिए इनके बारे में पढ़ना हमारे लिए इतना जरूरी है। अब हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं जो आप अपने जीवन में देख सकते हैं। धातु के उदाहरण है आयरन, कॉपर और जिंक। कुछ अधातु है कार्बन और ऑक्सीजन। अब अगर वस्तु से की बात की जाए तो धातु सदा ठोस होते हैं। अधातु ठोस, गैस या तरल किसी भी रूप में रह सकते हैं। धातु हमेशा कठोर होते हैं और अधातु मुलायम। अगर हम धातु चमक की बात करें यानी चमकीली सतह, तो यह धातु में होती है पर अधातु में नहीं। अगर हम आघात वर्धता यानी पीट कर चादर बनने की खूबी की बात करें तो यह भी सिर्फ धातु ही कर सकते हैं, अधातुओं में ऐसा नहीं हो सकता। अगर तार बनने की खूबी को देखा जाए तो यह धातुओं में होते हैं, अधातुओं में नहीं। इसी कारण से कॉपर के तार बनाना बहुत आसान है जो बिजली के सुचालन में मदद करते हैं। उबलने का तापमान अगर देखा जाए और यहाँ तक कि गलने का तापमान भी धातुओं में बहुत ज्यादा है पर अधातुओं में बहुत कम। यह भी जानने लायक है कि धातु और अधातु बिजली और गर्मी के बढ़िया सुचालक, तो ये अधातु इसके सुचालक नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि धातु ध्वनिक है यानी इनसे टकराने पर एक तेज आवाज होती है, जो अधातु ऐसा नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे कि धातु हवा में कैसी प्रक्रिया करते हैं। लगभग सभी धातु हवा में प्रस्तुत ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर, पर यहाँ यह जरूरी है कि गर्मी बाहर से दी जाए, इससे कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बनता है। और ज्यादातर धातु के ऑक्साइड खुद बेस होते हैं, जो पानी में घुलकर एक अन्य अम्ल बेस बनाते हैं। जैसे Na2O पानी में मिलकर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, K2O पानी में मिलकर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं एसिड और बेस दोनों जैसी प्रतिक्रिया कर सकते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यह एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया कर एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण और पानी बनाता है। ठीक उसी तरह ये NaOH बेस से मिलकर NaAlO2 लवण और पानी बनाता है। यह जानने लायक है कि पोटेशियम और सोडियम हवा में रखते ही जल उठते हैं, वहीं कॉपर एल्यूमिनियम पे बस ऑक्साइड की एक परत जलती है। और AU और AG यानी सोना और चांदी, ये तो प्रक्रिया ही नहीं करते हैं हवा के साथ। आज देखते हैं कि पानी में कैसी प्रतिक्रिया होती है। धातु और जल सदा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, और धातु ऑक्साइड जल में मिलने पर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि धातु और जल मिलते ही सीधा धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम और पोटेशियम का पानी में प्रतिक्रिया या NaOH और KOH बनाती है। यह प्रतिक्रिया किसी भी स्थिति में हो सकती है, ठंडे पानी, साधारण पानी, गर्म पानी। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठंडे पानी में नहीं बना सकता, पर साधारण और गर्म पानी में जरूर बना सकता है। वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में तभी बन सकता है जब हम गर्म पानी का प्रयोग लें। और एल्यूमिनियम और आयरन ये तो इतना कम रिएक्ट करते हैं कि बस पानी के भाप में ही ये अपने ऑक्साइड का रूप ले सकते हैं। और कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये तो पानी में प्रतिक्रिया ही नहीं करते। अब देखते हैं कि धातु और अम्ल यानी एसिड कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। मुख्य रूप से धातु और अम्ल मिलकर एक लवण और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करते हैं। उदाहरण देख सकते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल से मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और आयरन क्लोराइड बनाते हैं। अगर उनको प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में सजाएं तो हमें ऐसा कुछ क्रम मिलेगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। फिर से यहाँ पे कॉपर, सोना और चांदी ये प्रतिक्रिया ही नहीं करते। अब हम जानते हैं कि एक धातु अन्य धातुओं के लवण से कैसे प्रतिक्रिया करते। हमने विस्थापन प्रतिक्रिया के बारे में पहले पढ़ा है,
यह भी एक विस्थापन प्रतिक्रिया ही है। एक ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। जैसे मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाए मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, उसी तरह से जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट भी बन सकता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि मैग्नीशियम जिंक और आयरन कॉपर से ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, इसलिए आप कॉपर को विस्थापित कर सकते हैं। अगर हम प्रतिक्रियाशीलता के अनुसार धातुओं को सजाएं तो हमें एक सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है जो कुछ इस प्रकार है। हम देखते हैं कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड इस श्रेणी में सबसे ज्यादा नीचे है और इसीलिए ये काफी कम स्थितियों में ही प्रतिक्रिया करते हैं। वही पोटेशियम और सोडियम ये सबसे ऊपर है, तो इनको कुछ ज्यादा स्थिति का प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पता लगाते हैं कि धातु और अधातु के बीच के यौगिक कैसे बनते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कि हर तत्व नोबल गैस की स्थिति में आना चाहता है और धातु ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन देकर पहुंचते हैं और अधातु ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन लेकर। उदाहरण के लिए सोडियम, सोडियम के सबसे बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर दे दे तो नोबल गैस का रूप ले लेता है। ठीक उसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस के रूप में आ जाता है। तो NaCl लवण बनने में यही होता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और दोनों इसी प्रकार खुशी खुशी रह सकते हैं। यही हो सकता है MgCl2 के उदाहरण में, वही Mg नोबल गैस बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब कि मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग क्लोरीन को दे सकता है और इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का समीकरण है MgCl2 यानी दो क्लोरीन एक Mg से जुड़े हुए। ऐसे यौगिकों को कहा जाता है आयनिक यौगिक। ये धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, क्योंकि ये आयन विपरीत चिन्ह के हैं इसे इसके कारण आकर्षण बहुत तेज होता है। ये यौगिक ठोस होते हैं और उनके गलने उबलने का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। एक और चीज जानने लगे, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, घोल के रूप में ये बिजली के सुचालक बन जाते हैं, यानी कि इस वाले बीकर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही आयन है जिसके कारण बिजली इससे बह सकती है। धातुओं की प्राप्ति, धरती की ऊपरी परत में पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहा जाता है और ये खनिज जिन्हें निकाल कर लाभ हो उन्हें अयस्क कहा जाता है और अयस्क अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। इन शब्दों को जानना काफी जरूरी है। धातुओं की प्राप्ति तीन भाग में होती है, समृद्धिकरण यानी गैंग को अलग करना, रिडक्शन से धातु निकालना। रिडक्शन इसे जरूरी है क्योंकि ये धातु ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में जमीन के अंदर रहते हैं, इससे शुद्ध धातु निकालना जरूरी है। परिष्करण यानी रिफाइनिंग यानी बचे कुचे अशुद्धियों को निकालना। सक्रियण क्रम में ऊपर में प्रस्तुत धातु को विद्युत अपघटन से निकाला जाता है, बीच वाले को कार्बन के उपयोग से और सबसे नीचे यानी गोल्ड और सिल्वर ये तो प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित रहते हैं। धातु की प्राप्ति का एक चार्ट है जिसके बारे में हम सभी चीज अब धीरे धीरे जानेंगे। सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले धातुओं का निष्कर्षण, ये सबसे कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, ज्यादातर तो ऐसी प्राकृतिक रूप में निकाला जा सकते हैं और कुछ सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में रहते हैं। इन्हें गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मरकरी सल्फाइड जो गर्म करके मरकरी ऑक्साइड बनता है और यह और गर्म करने पर मरकरी धातु को बाहर निकाल देता है। इसी तरह से कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड बनाता है और कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड ये दोनों प्रतिक्रिया कर कॉपर धातु बना देते हैं। अब सक्रियण श्रेणी के बीच में धातुओं को कैसे निष्कर्षण किया जाता है, कुछ उदाहरण है जिंक, लेड, कॉपर, मैंगनीज। ये सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। जो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं उन पे भर्जन प्रक्रिया की जाती है, यानी ऑक्सीजन के
उपस्थिति में इन्हें गर्म किया जाता है, इससे बनेगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो कार्बोनेट के रूप में रहते हैं उन पर निस्तापन प्रतिक्रिया की जाती है, यानी बिना ऑक्सीजन के उन्हें गर्म किया जाता है, इससे भी बनता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ जो ऑक्साइड के रूप में जो धातु निकले इस पर कार्बन का प्रयोग किया जाता है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, धातु से ऑक्सीजन निकलकर धातु अलग से बाहर निकल जाता है। यह जानने लायक है कि हम कार्बन के जगह कई अन्य धातुओं को भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इसमें विस्थापन प्रतिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मेरे पास मैंगनीज का डाइऑक्साइड है, अगर आप एल्यूमिनियम का प्रयोग करें जो इससे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैंगनीज धातु निकल जाता है। इसे थर्मेट प्रतिक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत गर्मी निकलती है, और इस प्रक्रिया का प्रयोग कई जगह किया जाता है, इसके बारे में हम आगे के क्लासों में जानेंगे। अब हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाले धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ उदाहरण है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इन धातुओं के लवण से विद्युत अपघटन से निकाला जाता है, विद्युत यानी बिजली का प्रयोग। धातु कैथोड पर निकलता है इस प्रक्रिया में और अधातु एनोड पर। उदाहरण हम लेते हैं कि इस तरल में सोडियम क्लोराइड है, इससे हम एक बैटरी के द्वारा बिजली पास करते हैं। हम देखेंगे कैथोड पर सोडियम धातु जमा होने लगता है, वही एनोड के पास क्लोरीन गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। इन दोनों को यहाँ पे अलग किया जा सकता है और सोडियम धातु काफी शुद्ध रूप में इसमें प्राप्त होता है। पहले दिए गए प्रक्रियाओं से हमने धातु को निकाल लिया है और उसमें से अशुद्धियां निकालना बाकी है जो कुछ रह गए, इसी प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। हम मुख्यतः विद्युत अपघटनी परिष्करण का प्रयोग करते हैं, विद्युत यानी बिजली का प्रयोग। हम अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं और अशुद्ध धातु की पतली सी परत को कैथोड बनाते हैं। हम उस धातु के लवण को इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, यानी वह तरल जो सर्किट में है। जब हम बिजली पास करते हैं इस सर्किट से तो एनोड पर प्रस्तुत जो अशुद्ध धातु होता है वह इस इलेक्ट्रोलाइट में चला आता है और फिर इस इलेक्ट्रोलाइट में तैर कर वह कैथोड की तरफ आता है, जहां पे शुद्ध धातु का एक पतली सी परत थी। इस कारण से कैथोड की परत और मोटी होती जाती है, यानी इसमें और शुद्ध धातु आने लगता है और एनोड की परत पतली होती जाती है। एनोड के नीचे हम देखते हैं कि कुछ अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, यही है एनोड मड। सारी अशुद्धियां यही आकर गिर जाती हैं। अब हम जानेंगे जंग लगने के बारे में। धातुओं का एक अवगुण है कि वह हवा और पानी के संपर्क में आते ही ऑक्साइड का रूप ले लेते हैं और एक परत जम जाती है जो धातु को कमजोर बना देती है। ऐसा ही कुछ हुआ है इस पुरानी स्कूल बस के साथ, इसका ध्यान नहीं रखा गया और इसकी परत पर जंग जमा हो गई है। अब यह बस किसी काम की नहीं रही। इससे बचने का तरीका है कि या तो धातु को पेंट करके रखा जाए या उसमें जिंक की परत चढ़ा दी जाए जिससे जंग बहुत कम लगता है, या तो मिश्रातु बनाया जाए, एक धातु को गला कर उसमें दूसरे धातु डालने पर मिश्रातु बनता है और मिश्रातु पर आसानी से जंग नहीं लगता। मिश्रातु का प्रयोग हमारे जीवन में कई जगह होता है। उदाहरण के लिए कॉपर और जिंक को मिलाने से पीतल मिश्रातु बनता है, जिसका प्रयोग हमारे जीवन में कई जगह है। धन्यवाद। हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी धातु और धातु के साथ हमारा सफर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको इसमें अवश्य मजा आया होगा।